ये देखिए, ये बूंद बूंद इसी तरीके से, मतलब पानी नहीं आ रहा है। जब देते हैं, देने के बाद में कोई पूछते भी नहीं है। यहाँ पे पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी उनी का पूरा बहुत परेशानी में रहते हैं। देंगे कि नहीं देंगे, तो वो बनाएंगे कि नहीं, तो मित्रों, सरकारी योजनाओं के नाम पर क्या क्या होता है उसे अभी आप देखने और समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, चुनावी सफरनामा के इस चल रही कड़ी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले कड़ी में देखा कि जो गांव सिस्टम से कटे हुए हैं, यानी जहां सरकारी योजनाओं के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, जहाँ आप देखेंगे कि गांव वाले किस तरीके से आज भी चीजों को लिए तरस रहे हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं नदी को पार करके जिस गांव में मुझे आना था, उस गांव में पहुंच चुका हूं। और आप देख सकते हैं, ये हमारे गांव के हमारे भैया लोग, हमारे बच्चे लोग और हमारी छोटी बहन है, हमारी दोकरी दीदी लोग हैं, सभी लोग यहां बैठे हुए हैं। और जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि चुनाव 7 तारीख का, जो नवम्बर 7 को जो चुनाव हुआ था दंतेवाड़ा में पहले सत्र का, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर ग्राम पंचायत के गांव में जाने का मेरा एक मनसा हमेशा से रहता है। और मैं ऐसे गांव का चयन करता हूं जो कहीं ना कहीं सिस्टम से कटा हुआ है। सिस्टम से कटा हुआ का अर्थ आप समझ सकते हैं, जहां अभी तक सरकारी योजनाओं के नाम पर 0/0 देखने को मिलता है। यह कुम्हार रास ग्राम पंचायत के तहत पनारा गाँव है और यहाँ गिन चुन के मेरे ख्याल से मैंने जब बात किया था, 20 घर है। अभी दीदी लोग से बात करेंगे। दीदी क्या नाम है? मेरा नाम तारावती है। दीदी वोट दिए थे? जी दिए थे। किस छाप को वोट दिए? फुल छाप से दिए थे। सीसी रोड वगैरह बना देंगे बोले थे। पुलिया का भी समस्या और सब कुछ परेशानी हो रहा है, तो सब कुछ बना देंगे बोले थे, तो हम लोग दिए। यानी फुल छाप बाद में जब देते हैं, देने के बाद में कोई पूछते भी नहीं है यहाँ पे। ठीक, वो बनाएंगे बोलते हैं, लेकिन कोई तो बनाने वाला कोई नहीं, बाद में कोई नहीं आते हैं यहाँ पे पूछने के लिए। राशन पानी के लिए भी हम लोग को परेशानी होता है, आने जाने का भी परेशानी होता है। कुछ सीसी रोड नहीं है, ना पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी उनी का पूरा बहुत परेशानी में रहते हैं। अभी अभी आप जो फूल छाप को वोट दिए हैं, तो आप लोग एक उम्मीद किए हैं कि फूल छाप अगर जीतता है तो आप लोग के लिए सड़क की व्यवस्था, सीसी रोड की व्यवस्था, ये व्यवस्था कर देंगे, वादा किए हैं। अच्छा ठीक है, देंगे कि नहीं देंगे, तो वो बनाएंगे कि नहीं, तो रिजल्ट जो है अभी 3 दिसंबर को होगा, हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे। दीदी आप कुछ बोलोगे? बोलो दीदी। बोरिंग पानी नहीं है, पानी के समझ। अच्छा, पानी नहीं है दीदी। पानी और दीदी पुलिया पुलिया और दीदी बहुत फिर का है, उतले आए मैं उतले के जाने बा। मित्रों अभी हम जब चर्चा जब कर रहे थे, तो दीदी लोगों ने बताया ये आंगनबाड़ी है और ये सरकारी हैंडपाइप यहाँ लगा हुआ है, और इनका कहना है 1 साल पहले बंद तो गया है लेकिन अभी तक इसमें पानी नहीं आ रहा। दीदी थोड़ा चलाओ तो जरा, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करते हैं। हाँ, आप देखिए इधर से, रतु भैया इधर से दिखाओ जो भैया चला रहे हैं। ये देखिए सरकारी योजना है, ये आ तो गया है यहाँ पे, लेकिन ये देखिए, ये बूंद बूंद इसी तरीके से, मतलब पानी नहीं आ रहा है।
और आप देख सकते हैं जो मैंने बताया था कि सरकारी योजनाएं आती तो है लेकिन कुछ काम करने, दीदी बता रही है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पानी बच्चों के लिए। हाँ दीदी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, दीदी रसोईया का काम करती है और दीदी बता रही है कि बच्चों के जो भोजन के लिए जो आंगनवाड़ी में जो रसोई बनती, दीदी कह रही थी कितना किलोमीटर दीदी, 1 किलोमीटर से लाती हूँ मैं पानी बच्चों के लिए भोजन बनाने, भोजन बनाने के लिए 1 किलोमीटर से लाती हूँ। यहाँ पानी का यहाँ मत पीट करो, पानी नहीं निकला है बोल के देखी, मैं बोलते हुए भी यहाँ ला के लगा दिए। 1 बाल्टी भी निकलने से काफी है बोले, लेकिन 1 बाल्टी से झाड़ू पोछा करेंगे कि बर्तन धोएंगे कि खाना राशन चढ़ाएंगे उससे क्या कर सकते हैं हम। ठीक है दीदी, ये देखिए ये समस्या जो जल का समस्या मैं आपको बता रहा था,